बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे फ्रेंड्स, आप सबको खुशामदीद कहते हैं आपके अपने चैनल काशिफ सुल्तान एंटरटेनमेंट पे। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ताला आप सब खैर खैरियत से होंगे। हम सब भी आप सबकी दुआ और अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक फिट फाट और मजे में। तो फ्रेंड, मेरे चैनल का नाम है काशिफ सुल्तान एंटरटेनमेंट। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, वीडियो फुल वॉच किया करें। वीडियो अच्छी लगती है तो अच्छा सा कमेंट भी दिया करें। हमारे चैनल काशिफ सुल्तान एंटरटेनमेंट को खुद भी वॉच करें, खुद भी देखें और सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स से ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें और खुद भी सब्सक्राइब करें और फैमिली फ्रेंड्स से सब्सक्राइब करने का भी कहें थैंक यू। तो देखिए फ्रेंड्स, काशिफ सुल्तान एंटरटेनमेंट चैनल पर आज हम इवनिंग रूटीन शेयर कर रहे हैं। इवनिंग रूटीन और डिनर रूटीन दोनों शेयर करेंगे। सबसे पहले इवनिंग टाइम पे टी का पानी रख लिया, यहाँ पे हमने टी का पानी रख लिया, वहां पे मैगी बनाने के लिए चिकन बॉयल हो रहा है। ठीक है, दूध निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूध आज ज्यादा है ना भाई? आज 8 किलो दूध। जी माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह पानी। ये 5 किलो है इसमें, बिस्मिल्लाह। जी 8 किलो। ताकि ये बोतल भी साफ हो जाए, डब्बा धोएंगे। और उधर बना रहे हैं हम आज बैगी बना रहे हैं और डिनर में बना रहे हैं मछली फिश। ये मैगी का चिकन और मटर वाई के लिए उतार देते हैं, साथ में दूध रख देते हैं ताकि दूध जो है वो बन जाए। और डब्बा धो लिए दूध वाला। ये जो बोतल है इस पर पानी डाला है, पहले खुला ली है अच्छे से। अब इसमें ये डिश वॉशिंग बार जो इसका लिक्विड डाल देंगे ताकि ये भी साफ हो जाए। दूध की बोतल को ऐसे साफ किया जाता है, वैसे वहां पर बोतल ब्रश भी है उससे भी साफ किया जाता है। अब इसको यूं रख देंगे तो ये साफ हो जाएगी। ठीक है, ठीक है भाई। और ये बेटा चिकन दिखाओ, फिश तो लेते अच्छे से। ये फिश लाए वाली साहब, आज बनेगी फिश खूब सारी। ठीक है, साथ में चाय पत्ती खाऊ गई। छवाई देते Thank you.
फिश है, काला राउ फिश आज बनाएंगे लोरी स्टाइल में, ये फ्राई फिश बनाएंगे। ठीक है, ठीक है, माशाल्लाह। ये है काला राउ, इसको धो लेते हैं अच्छे से। ये देखिए फ्रेश जो होता है ना फिश, वो इस तरह का होता है, देखिए कितना प्यारा है। और इसमें से बिल्कुल भी हमें हीक नहीं आ रही, बदबू नहीं आ रही। अगर हम सुनते हैं ना जो लोग कहते हैं बदबू आ रही है फिश में से, वो खराब फिश होता है। इस धो लेते हैं, फिश धोने का ये तरीका है कि नीचे कोई छन्ना रख लेते, नहीं तो वो ड्रेनेज होल बंद हो जाता है ना। दूध में भी नजर रखते हैं, साथ साथ फिश धोते हैं। ठीक है, ठीक है, बताओ। ठीक है, आलू काला रो भी होती है और सिल्वर रो भी होती है। काला रो होता है, सिल्वर रो होता है, सफेद रो होता है, और इसके अलावा रो में काफी किस्में आती है। लेकिन अभी काला और सिल्वर वाला है ना। काला और सिल्वर, और ये बड़े पीसेस वाला है। ये 400 रुपए किलो मिला है, वैसे 450 रुपए दे रहा था, रियायत करके 400 रुपए किलो दिए। बड़ा पीस जो है, जो बड़ी मछली है ना वो राहू की, वो 400 रुपए किलो दे रहे, जो छोटा है वो 350 मिल जाता है। 380 तक वाला, 300 तक वाला भी मिल जाता है, बिल्कुल छोटा रहा, छोटे छोटे पीस। कितनी ताजा मछली है ना, अगर इसके ऊपर कुछ छिलके हैं तो ये पास। ठीक है भाई, आप धोएं क्या बोलते हैं, दो डालते हैं शायद, दो पीस के साथ है वो। इसके कावा कट गया अच्छे से, इसलिए हम जो इसका ढक्कन खोल देंगे। चाय भी बन रही है, साथ साथ चीज धो लेते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने सारी चीज धो ली है, दिखाओ। धो के इस तरह से सीलर में रख लिया, इसका सारा पानी स्टेन हो रहा है, देखे सारी मछली धो ली अच्छे से। ठीक है, अब दूध भी उबल चुका है एक, और जो दूसरा दूध है वो उबल है, ये वाला उबल गया है ना जी, माशाल्लाह। और वो वाला भी बस उबलने लगा है, चाय भी साथ में रेडी हो गई। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चाय भी रेडी हो गई, चाय सर्व कर लेते हैं वापिस आपके लिए। बाकी चाय में चीनी डालेंगे, आपकी पिकी निकाली है, चीनी डाल रहे हैं। चीनी को पा लेते हैं, और साथ साथ देखे मैगी बना रहे हैं। मैगी बनाने के लिए हमने चिकन ले लिया, चिकन को कर लेते हैं बोनलेस। ठीक है, ठीक है,
मैंने चिकन उबाल लिया अच्छे से और चिकन को बोनलेस कर लेते हैं और श्रेड कर लेते हैं। साथ में दूध भी देखो, दूध तो उबल चुका है, चाय चीनी डाल के जिसे बना रहा हूँ। और साथ मैगी बेटा ठीक है, इधर इसमें पड़े हुए। चीनी वाली चाय को पका रहे हैं साथ में मैगी बनाने के लिए। जो यखनी थी वही हमने चढ़ा ली है दोबारा, जिससे चिकन बॉईल किया था और मटर डाले हुए मैंने। देखे इसमें मैगी इस तरह से बनाए तो बहुत मजे की बनती है। इसमें आप गाजर भी डाल सकते हैं छोटी छोटी करके। अब ये मैं चिकन जो है हड्डी से ज्यादा कर लेता हूँ इस तरह से। ठीक है, ठीक। ये इस तरह से इसमें रखता जाऊंगा और इस तरह से कर लेंगे, बहुत ज्यादा बारीक नहीं करेंगे। ये मैंने चिकन अच्छी तरह बॉयल की है, इस तरह से हाथ लगाते ही बोटी जो है हड्डी हड्डी बोटी बोटी हड्डी छोड़ देती है, है ना? Yes. और ये वाले मैगी बना रही चटपटे वाले, काफी सारे लाए हुए इस तरह के, 6-7 पैकेट इस तरह के आए हुए हैं। और चिकन वाले भी आए हुए हैं और चिकन चटपटा वाले भी, yes. है ना? और चाइनीज भी सिस्टर ने मंगाए हुए हैं, जो चाइनीज हॉट हॉट वाला नहीं आता नूडल, yes. जिससे चैलेंज आजकल लगा रहे होते लोग वीडियो में, वो भी मंगाया हुआ। पर वो एक नूडल ही 300 रूपए, 300 रूपए जी, काफी महंगा मिला है। ये वाले सस्ते है कनौर के, सस्ते मतलब ये लोकली मिलते हैं ना। देखिए चिकन को हमने श्रेड कर लिया, हड्डियों के साथ था तो हड्डियों को लादा कर लिया, है ना? ठीक। अब बस फिश को भी मैरिनेट करेंगे ताकि फिश साथ साथ सर्व कर दें, साथ सिस्टर जो है चाय सर्व करेंगी इतने में, है ना? ठीक है भाई जी। ये भी हो गया, ये दिखाओ, ये चिकन और मटर ये वापस चला जाएगा, बहुत ज्यादा बारीक मैंने चिकन को नहीं किया। ठीक है, ये चला गया, पीस जाएगी अब नूडल्स, नूडल्स जाएंगे बेशक। चार का पैकेट आता है, चार उबाल और साथ इसकी ये मसाला आता है। तो इनको थोड़ा थोड़ा तोड़ लो, चलो थोड़ा सा पानी डाल देंगे। इसका ऐड भी चल रहा है टीवी में, यस। और
और ये मुझे जो नूडल है कच्चे कच्चे पसंद नहीं है, मुझे भी मेरी सिस्टर को थोड़े से गले हुए और थोड़े सूपी से मजा आता है खाने में। अब बस फिश को मैरिनेट करते हैं, पहले चाय सर्व कर लें, ठीक है? और कौन कौन लेगा? सबका एक एक दे दो भाई। मैगी के साथ अंडा जी बहुत मजे का लगता है। दिखाओ ना अंडे, क्लोज भी लो अंडो का। इस माशाल्लाह एग्स ये भी डालो। और भी है बीच में। चलो अंडे भी उबले और चाय हम सर्व करते हैं साथ ही। ठीक। मैगी की बन रही है, देखें कितनी अच्छी बन रही है। चिकन वाली मैगी इस तरह से मैं और सिस्टर अक्सर लेट नाइट भी खाते हैं, इस तरह से ही बनाते हैं ना। बस अब मैगी को कवर अप करके पकने देंगे, ठीक है? इट मिल जाए तो फिर कवर अप करेंगे। सबसे पहले चाय सर्व करते हैं, बिस्मिल्लाह। ये वाला मेरा है, ये सिस्टर प्यारी का, ये वालदा साहबा का, और ये भाई हरि बाबा जी। सिस्टर आप जो है टी सर्व करें, चाय सर्व करें बेटा सबको, वाली साहब वालदा साहब सबको टी दे, ठीक है भाई? बस मैगी भी हमारी बन रही है, देखो मैगी थोड़ा सा इसे कवर अप करके बनाना पड़ता है, नहीं तो मैगी जो है कच्ची रह जाती है। देखो कवर अप करके बनाएंगे थोड़ा सा मैगी को, मैगी मटर और चिकन मिक्स हो रहा है, दिखाओ आप क्लोज भी लो, ये देखो माशाल्लाह। थोड़ा सा इसे कवर अप करते हैं साथ में, मैं और जो सिस्टर है ना, पहले सिस्टर चाय सर्व करती है सबको, फिर मैं और सिस्टर फिश मैरिनेट करके इतने में मैगी बन जाएगी, ठीक है? ठीक है।
तो देखिए फ्रेंड्स, सिस्टर ने टी सबको सर्व कर दी है, मैगी बन रही है और चिकन को हम कर लेते हैं फिश को मैरिनेट कर लेते हैं। और ये जो फिश है ना, ये देखें, ये इससे सारा पानी जो है ड्रेन हो गया, मतलब कि नुचड़ गया स्ट्रेनर में डालने से। अब फिश लॉरी स्टाइल फिश फ्राई बनाने के लिए या फिश फ्राई बनाने के लिए लहसुन ले लिए, हरी मिर्चे ले लिए, अदरक का टुकड़ा है, ठीक है। बाकी जो मसाले हैं वो मैं ग्राइंड करूंगा, ठीक है। ठीक है भाई, तो उन मसालों में क्या क्या जाएगा, ये ग्राइंडर का हमने डब्बा ले लिया है। इसके लिए पानी, सूखा धनिया, सफेद जीरा और स्पाइसेस चीज थी, और इसके अलावा हमें चाहिए होगी चाट मसाला, मोटी कुटी हुई लाल मिर्च, बस यही चीजें चाहिए, ठीक है। ठीक है, अब हम क्या क्या चीज ले लेंगे। सबसे पहले हम लेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अपनी फिश को सारी को मैरिनेट करना है। जी, सारी को मैरिनेट करना। तो देखिए, सबसे पहले सफेद जीरा, इस तरह से खूब सारा सफेद जीरा जाएगा इसमें। सफेद जीरा जाने के बाद क्या चीज जाएगी, अब एक सिनेमन स्टिक का टुकड़ा, इस तरह से एक से दो ले लें, और इसके अलावा तीन चार लौंग ले लूंगा, यानी कि गरम मसाला बना लूंगा, है ना। ठीक है जी, ये देखिए लौंग, ये मोटी मिर्च, मोटी इलायची जिसे कहते हैं, मिर्च नहीं है, ये चलेगी। और इसके अलावा क्या चीज जाएगी, सूखा धनिया दिखाओ, सूखा धनिया खूब सारा जाएगा मछली में, सूखा धनिया अच्छा लगता है, ठीक है। सूखा धनिया चला गया, ये चीजें चलेगी, और चाट मसाला चलेगा। देखो चाट मसाला भी जाएगा और ऊपर से भी डाल सकते हैं। बताओ क्या बता रहे हो? ये चाट मसाला ऊपर से भी फ्राई करके ना मछली को तो डाला जाएगा, लेमन भी इस डाल ले बेचर। जी, जब सिस्टर्स बहुत सही बता रही हैं। और ये जो चिली फ्लेक्स है ना, ये पीसते ही नहीं है, ग्राइंड नहीं करते, मतलब अभी इसमें जाएगा। और भी स्पाइसेस डाल लेता हूँ क्योंकि वो तो ग्राइंड हो ही नहीं है, और भी हो जाएंगे। सही है, ठीक है। अब इसमें और क्या चीज जाएगी, मेरी मैगी तुम डाले, देखें आप फिश में और क्या चीज जाएगी, हल्दी पाउडर, इस तरह से रेड चिली पाउडर थोड़ा सा डालूंगा, चिली फ्लेक्स भी जाएंगे, और ये काली मिर्च, काली मिर्च देखें, साबुत इसलिए डाली थी, हम पीसी हुई डाली, ये गई काली मिर्च, और नमक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हाथ की मदद से नमक डालेंगे। हमने कोई इसमें नमक पहले नहीं डाला हुआ, यानी कि धोते हुए या फिर वैसे मैरिनेशन टाइम नमक नहीं लगाया हुआ, ठीक है। बेटा ये क्या चीज है, अजवाइन है, ये जाती है थोड़ी सी, ज्यादा जाए तो ये चीज को कड़वा कर देती है, अजवाइन भी होगी। अब इस सारे मसाले को मैं ग्राइंड कर लूंगा, ये क्या बन गया हमारा, फिश मसाला। इसमें बस चिली फ्लेक्स लास्ट में जाएंगे, मैंने जो है चिली फ्लेक्स लास्ट में डालने, ठीक
ये तैयार हो गया फिश मसाला। फिश मसाला, अब इसमें क्या चीज जा रही है? चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स, चिली फ्लेक्स, बाय बाय। ये मसाला रेडी हो गया, ठीक है। अब दूसरा मसाला भी रेडी करेंगे ना बेटा। अब हरा मसाला रेडी कर लेते हैं फिश फ्राई के लिए। ड्राई मसाला हमने रेडी कर लिया, ये बन गया हमारा फिश मसाला, ठीक है। ठीक, दूसरे मसाले में देखिए क्या क्या चीज जा रही है। लहसुन, अदरक और हरी मिर्च, ठीक है। लहसुन खूब सारा जाएगा मछली में और हरी मिर्च खूब सारी जाएगी, ठीक है। ठीक है, लहसुन सारा डाल दो जी। सारा डाल दो, दिखाओ अदरक, दिखाओ ना बेटा मुझे, ना दिखाओ अदरक, दिखाओ। अच्छा भाई अदरक भी खूब डलेगी ना भाई, खूब डलेगी अदरक और लहसुन का ही तो इसमें जायका आता है और हरी मिर्च और होता ही है इसमें। ये क्या, अब इसमें क्या चीज जाएगी? दही। दही, दही भी डालते हैं और कुछ लोग डालते हैं इसमें इमली का पेस्ट, ठीक है। ठीक है, ओरिजिनल तरीका दही डालने वाला भी है और इमली का पेस्ट डालने वाला भी है, ठीक है। दोनों डाल सकते हैं आप, दोनों में से एक चीज डाल सकते हैं और चाहे तो दोनों में डाल सकते हैं। ये गई इसमें रखूं, अब इसको क्या करेंगे हम, थोड़ा सा पानी डाल देंगे इसमें। पानी डालें, सिरका ना डालें, सिरका नींबू लास्ट में डालेंगे, सिरका भी डाल सकते हैं थोड़ा सा, पर पानी डाल दे। चलो इसको लेकर क्या खुशबू है ये मसालों की, जबरदस्त सी लग रहा है जैसे कि बाजार में खड़ी है और मसालों की खुशबू आ रही है ना। चलो जी, आप उठाएंगे मिक्सी और इसको छोड़ कर आएंगे। चलो जी, दिखाओ दिखाओ फ्रेंड्स को, भी बन रही है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ले लेते जी सर, और बेसन का घोल तैयार करेंगे, किसे करेंगे, कटोरी में कर लेते। देखो बिस्मिल्लाह खान की, देखिए बेसन भी डाल सकते हैं और कॉर्न फ्लोर भी डाल सकते हैं ना, जो जिसका दिल करे वो डाले, ठीक है। मछली के बाइंडिंग के लिए ना भाई, मछली की बाइंडिंग के लिए बिल्कुल। और पकोड़ा नहीं बनाना, इतना बेसन ना डाले कि पकोड़ा बना ले। अब ये जो बेसन है ना, ये दिखाओ, ये इस तरह से अब इसमें चला जाएगा, ये फिश मसाला। सिस्टर कह रही होगी आज भाई ने क्या खा लिया ना जी भाई। अब ये देखिए, ये हमारा, आप इस तरह से बना के फ्रिज में रख सकते हैं। जिस टाइम गेस्ट आ रहे हो ये लादा से बना ले, जिस टाइम गेस्ट आ रहे हो तो उस टाइम मैरिनेट कर ले, वैसे मैरिनेट ओवरनाइट भी कर सकते हैं। अब इसका मैं एक घोल तैयार कर लूंगा, ठीक है, बेसन का और मसाले का, वो है विस्क है। यस, ठीक है, मैं इसे घोल, ये देखें इसे अच्छी तरह हम घोल लेंगे, थोड़ा सा फीकी रखेंगे, ठीक है। ठीक है, पानी तो है नहीं। चलो ये दिखाओ, अच्छे से इसे घोल लेंगे। बिस्मिल्लाह, आप देखें
फिश हो या चिकन हो ना, इसे ओवरनाइट मैरिनेट करेंगे तो बहुत अच्छा जायका आएगा। तो आप सब तो जानते ही हैं, ये मुझसे ज्यादा एक्सपर्ट्स हैं, तो इन चीजों को आप ओवरनाइट मैरिनेट करें या फिर तकरीबन एक दो घंटा जरूर दें। हम एक घंटा देंगे जो बीच में चाय का वक्फा होगा, तो इसलिए मैं इसको चाय के साथ ही मैरिनेट कर रहा हूँ जल्दी जल्दी, ताकि इसको थोड़ा सा टाइम मिल जाए ना मैरिनेशन का। ठीक है, ये देखें हमने अच्छी तरह बेसन को रगड़ लिया, मतलब के विस्क कर लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देखिए तमाशा दिखाता हूँ आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये बड़ी वाली प्लेट को अपनी नजरों से करते हैं वजन बहादुर। देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए, वाह वाह वाह, आई ना मजे, आई ना मजे, आई ना मजे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए ग्लव्स का ये फायदा होता है, मेरा चेहरा आए ग्लव्स का ये फायदा होता है फ्रेंड, मछली का कांटा होता है ना तेज, जी जी, तो वो भी नहीं लगता। वैसे तो ग्लव्स से आर पार हो ही जाता है पर मीठे वगैरह नहीं लगती। ये देखिए, ओहो हो, मक्खन बन गया और खुशबू खुशबू आए है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कांटा लगा है, अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। ये देखे इस तरह से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और फ्रेंड्स देखिए, इसमें आप कलर भी, फूड कलर डाल सकते हैं, रेड या फिर वो जो आता है जर्द कलर आता है, ऑरेंज कलर जिसे कहते हैं, वो थोड़ा सा डाल दें तो बिल्कुल ये बाजार वाली फिश तैयार हो जाएगी। मतलब जिस तरह से बाजार में मिलती है ना, वैसे ही कलर आएगा फ्राइंग के बाद। देखिए इसे अच्छी तरह से मिक्स मिक्स करेंगे, चाहे तो हाथों पे कांटा लग रहा है तो ये ले लें कच्चा चमचा इससे। अब देखिए, अगर आपने इस तरह से करके ना आप मैरिनेट करके रख लें, तो फिर इसको आप पहले इस तरह से बड़ी, इसको हम कहते हैं परात, तो वैसे डिश कह सकते हैं इंग्लिश में, तो ये डिश में आप मिक्स कर रहे हैं इसलिए बड़ी ही है। फिर आप इसे ओवरनाइट मैरिनेट कर रहे हैं, तो कोई बाउल ले, बाउल बाउल नहीं होता, बाउल ये हमारे पास पड़ा हुआ है नीचे, उसमें डालें सारी फिश, क्योंकि जो मैरिनेशन है ना वो जुड़ी भी होनी चाहिए आपस में। ठीक है, बाउल वगैरह में, तो ऊपर से कोई प्लास्टिक रैप वगैरह चढ़ा दे, ना हो तो ऊपर कोई ढक्कन रख दे। ठीक है, तो मैरिनेशन का हमेशा यही तरीका होता है, उससे क्या होता है ये फिश अपने अंदर सारे मसाले, दही, बेसन और जो मसाले डाले ड्राई, वो सब अब्सॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए मैं इसे मिक्स करता जा रहा हूं। अगर आप इसमें बेसन नहीं डालना चाह रहे तो कॉर्नफ्लोर डाल सकते हैं, कॉर्नफ्लोर नहीं डाल रहे तो फिर अंडा डाल सकते हैं, अंडे। ठीक है, अंडे फेंट के डाल। ये होगी हमारी फिश मजेदार सी मैरिनेटेड, आ गया ना मजा। ये देखिए अब बनी लाहौरी फिश हमारे घर में, कैसा टाइटल का नाम। ठीक है, ठीक है, रोक लो थोड़ी। देखिए फ्रेंड्स, फिश की मैरिनेशन करके हमने रख दी है, जब तक हमारा चल रहा है चाय टाइम और मैगी टाइम, तो मैगी को देखते हैं कि मैगी बन गई है कि नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए मैगी तैयार हो गई है। अब हमारे घर में बिल्कुल खुश्क मैगी नहीं खाई जाती ना, मतलब कि बिल्कुल सूखी हुई मैगी, थोड़े से सूफी टाइप खाई जाती है। ठीक है, अंडे भी साथ में दिखाओ ना, अंडे अंडे तो दिखाए नहीं आपके। अंडों को देखे इस तरह से खुले पानी के नीचे रख दे, ये खुद ही इनका छिलका बहुत आसानी से उतर जाएगा। और ये देखिए, इसमें आप हालोपीनो पेपर्स भी डाल सकते हैं, मेरे पास है पर टाइम नहीं है ना डालनी थी, वैसे तो बहुत अच्छा जायका आता है उसका। लिया होगी हालोपीनो पेपर्स? नहीं भाई, डाल दे। लिया, ये देखे सिरके वाली मिर्चे मैंने बना के रखी हुई है, सूप के लिए बनाई थी, चिकन काउ सूप जो नहीं होता उसके लिए बनाई थी, पर हम ये मैगी में भी डालते हैं खूब सारी। ठीक, ये देखे इस तरह से ये सिरके में डूबी हुई मिर्चे, से डाल देंगे।
क्या खुशबू है ये हालोपिनो पेपर डाल। ये मोटी बोटियां सिस्टर जो है ना देख लेती है भाई किसमें। तो देखिए मैगी भी हमारी बन की तैयार है। छोटे छोटे बुक फिर मैगी खाते हो। चलो बेटा भी छीन लेते हैं अंडे तो खाओ बेटा। सबका एक रख दो थोड़ा सा। ठीक है अंडों को थोड़ी देर पानी में छोड़ने से ये हुआ छिलका इसका कितनी आसानी से उतर रहा है और छिलका भी उतर रहा है और जो साथ झिल्ली होती है वो भी उतर रही है। ये वाला मेरा होगा। अच्छा मैं पहले कह रहा हूँ देखते चलो चलो ना बेटा। अच्छा भाई तो देखिए फ्रेंड्स आप फिश फ्राई कर लेते हैं। फिश फ्राई करने के लिए सबसे पहले हमने ले लिए सरसों का तेल। सरसों के तेल में शामिल करेंगे जो नॉर्मल रिफाइंड ऑयल होता है कुकिंग ऑयल ये शामिल करेंगे और फिर ये है सरसों का तेल। ठीक है इस तरह से मिक्स करके बनाए ना कुकिंग ऑयल में सरसों के तेल को मिक्स करके फिश फ्राई करें तो बहुत मजा आता है इसमें। और ये तेल जो है ये फिर हमारा स्पेशल इसी काम के लिए रहेगा यानी कि फिश फ्राई के लिए। ठीक है फिर हम इसे इसी तरह रखते हैं। ये सरसों का तेल देखे बोसले लाए थे और देखिए अच्छा तेल होना चाहिए डीप फ्राई करेंगे फिश को। अब इस तेल को हम जला लेंगे अच्छे से। ठीक है सरसों के तेल को जला लेंगे। चलो तो देखिए फ्रेंड्स सरसों के तेल को हमने अच्छे से जला लिया खुशबू निकल गई इससे। अब इसका टेम्परेचर हम लो करेंगे। ठीक है साथ में तवा भी रख लेते हैं रोटियां डालते जाते हैं ताकि साथ साथ रोटियां सर्व करते हैं। ठीक है ठीक है जब तक इसका टेम्परेचर लो हो रहा है तब तक हमारा तवा हीट अप हो जाएगा। ठीक है सिस्टर लेकर आती है आटा और ये देखिए मैरिनेट हुए फिश को तकरीबन डेढ़ घंटे एक घंटा डेढ़ घंटा हो गया है ना और लेमन भी हमने साथ रखी है। इसमें तो कुछ आया नहीं टेम्परेचर लूज कर रहा हूँ ठंडा तेल फिर जलाया था सरसों का था तो फिर इसको हम ठंडा करेंगे तो फिर फिश डालेंगे। अच्छा ये तो फिश फोरन जो है जल जाएगी। सरसों का तेल ना जलाना पड़ता है पहले जला फिर उसका जो है उसको ठंडा भी करना पड़ता है क्योंकि बहुत तेज गर्म हो जाता है सरसों का तेल। यस देखा नहीं एकदम हीट हो गई है।
साथ साथ रोटी बनाते जाएंगे, साथ साथ फिश फ्राई करके देते जाएंगे। ठीक ठीक देखो, अभी तक इसका टेम्परेचर लूज नहीं हुआ, अभी तक खुले नहीं करे सरसों के। अपने इसमें से हड्डी नहीं निकाल रहे हैं ना, ऐसा प्यारा और बड़ा पीस। Thank you.
जब ये एक तरफ से फ्राई होगी फिर इसकी साइड टर्न की जाएगी, एकदम चम्मच नहीं चलाया जाता, फ्राइंग की सारी चीजों के साथ यही है। यस रोटी भी बन रही है साथ साथ। इसको उधर शिफ्ट कर देते हैं ना रोटी को। एक रोटी बन भी गई है ठीक। अब हमने साइड शिफ्ट करनी है, इसको वहां शिफ्ट किया क्योंकि रोटी थोड़ी सी आसान हो जाए बनाना। वैसे ये फ्लेम ज्यादा तेज है, बड़ा बर्गर है ना, तो इसीलिए फिश यहाँ रखी है ना। बस अब इस तरह से ना ये हमारी डिश है, इसमें इस तरह से फिश निकालेंगे। देखो रोटी भी जल्दी है, स्पाइडर जी
इस तरह से जो दुकानदार हजरात है इस तरह से निकालते मछली को और फिर इसका फ्लेम कर देते हाई। आप मछली को क्या करते हो मैं आपको बताता हूँ, इस तरह से किसी भी चीज से इस तरह से कर इससे इस तरह से देखिए चम्मच से थोड़ा थोड़ा दबाएंगे ठीक है। अब तेल को तेज गर्म करना है ठीक है, फिर उसमें ये दोबारा छोड़ेंगे ताकि ये क्रिस्प हो जाए और इसके अंदर पानी खत्म हो जाए। तेज गर्म होने देते सब एक मिनट के लिए तेज छोड़ेंगे इसे ठीक है। साथ में लेमन है, इसको भी थोड़ा सा आटे को थोड़ी देर रोटी को रोक लेते हैं तो बनी हुई लेमन काट देते हैं। जो मछली डाली वो निकाल लेते हैं, अब देखना मछली अंदर तक पकी भी होगी अच्छी। अब इसके चाट मसाले गरम गरम के नींबू और चाट मसाले अब इसको टॉस कर ले अच्छे से, बन गई ना मजेदार मछली। यस गरमा गरम, ये देखिए ये देखिए जूसी अंदर से, बाहर से क्रिस्प अंदर से जूसी। चलो चलो बेटा चलो सब बना रही है जी जी। देखिए थर्ड बैच भी निकल आया है, सिस्टर साथ साथ गरम गरम सर्व करती जा रही है ना। जी भाई सर्व कर रही है साथ साथ गरम गरम, इतनी सुपर जूसी और क्रिस्पी है। अब देखिए इसे निकालने के बाद इस तरह से निकाल ले, और ये मैं आपको बड़ा ही प्रोफेशनल तरीका बता रहा हूँ। हम फ्लेम हाई कर लेंगे और ये जो मछली है ना इसे इस तरह से चम्मच की मदद से बहुत ज्यादा नहीं दबाएंगे, थोड़ा थोड़ा सा ठीक है, इतना नहीं दबाना कि बोटी टूट जाए, जरा जरा सा। इस तरह से दबाने के बाद अब तेल हाई होगा तो इसमें छोड़ देंगे फिश दोबारा से। साथ में सिस्टर ने चटनी भी बनाई है देखे हरी मिर्च और टमाटर की। जी जी बस अब ये इस पे छोड़ के
आराम से देख के आरती जलाना, इसमें पानी वगैरह था ना दबाने से निकल गए। अब इसको इस तरह से हाई फ्लेम पे थोड़ी देर पका लेंगे, ठीक है। और साथ में देखिए चटनी भी रेडी हुई है, इधर चाट मसाला भी है, साथ साथ डालते जा रहे हैं, साथ साथ निकालते जा रहे हैं, साथ साथ सिस्टर जो है रोटी के साथ इसको सर्व करती जा रही है, साथ में चटनी भी लगेगा, मतलब ये बैच भी निकलेगा। इतना इसमें कोई एक्सेस वाटर वगैरह होगा ना, कच्ची वगैरह होगी वो खत्म हो जाएगी। ये मन करते और भी डाल देते हैं, ये उसे करो। इस वाली पीस कर लेते लेमन कितना फ्रेश है, ये गरम गरम पे आपने इस तरह से लेमन डालना है, ठीक है। साथ में चाट मसाला, ठीक है, ठीक है भाई। चलो अब ये बैच भी ग्रेट करिए, जी जी ठीक है सर। चल तो देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट बैच भी रेडी हो गया। ये इस तरह से निकालने के बाद कोई भी चम्मच ले इससे इस तरह से थोड़ा थोड़ा दबाना है, बहुत ज्यादा नहीं, ये नहीं कि कटोरे पे काट देना इनका, जरा जरा से ये देखिए कितने क्रंची, क्लोज भी लो जरा दबा के, चलो आप फ्रेम फुल खोलेंगे और ये वापस डालेंगे, ठीक है ठीक है।
बस अब मेरा और सिस्टर का बैच रह गया, बाकी सबको तो सब कर दिए सिस्टर yes. ने साथ साथ, पहले वाली साहब वाला साहब को सब किया, फिर भाई जुनेद को, अब मेरा और सिस्टर का बैच है, हम दोनों मिलकर खाना खाते हैं। अब इसको तेज फ्लेम पे देखे डाला जाता है, देखा ना इसमें जो हमने दबाया है ना उसकी वजह से इसके अंदर जो मॉइस्चर था वो निकला है yes. और इतना भी मॉइस्चर किसी चीज में से छाया जाता है कि वो सूखी हो, अंदर से जूसी होनी चाहिए। अभी मैं आपको इस वाले सीन में तोड़ के दिखाता हूँ देख के कैसी हुआ जूसी। तो सरसों के तेल में तली हुई मछली की तो कई बात है ना yes. बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है, खुशबू जायका और देखिए क्रिस्पी है बिल्कुल जी। ये जो ये वाले पीस है ना, ये मुझे निकालना पहले याद नहीं रहा मैरिनेशन से पहले, इनको ना मैं वो करूंगा पुलाव के लिए रख लूंगा। ठीक है ठीक। ये भी पीस जो है ना थोड़ा दूर से की लीजिए, ये वाला नाफस पे आता है, धूम आता है, ये वाला पीस अच्छा होता है। और ये जो मैरिनेशन बच गई है इसमें आप आलू के चिप्स काट के और खा सकते हैं ना, फ्लेवर से इसमें खाते होते हैं वैसे। अब ये जो हेड हेड है ना ये सारा है, ये मैं छोड़ दूंगा, ये वो हम बना रहे हैं। ठीक है ठीक है। चलाओ वो वाली छोटी है, ये वाली सख्ती है, कौन सी चालू ठीक है छोड़ो हम तो ये वाले पीस इसी तरह मैं निकाल लूंगा, बल्कि मैरिनेशन के साथ ही रखूंगा, ये सब जाएगा लाओ में। ठीक है बस ये बैच भी हो जाए। जी